डिप्लोमा स्टूडेंट्स को सर एंटर नहीं कराइए, सर HOD सर बोले कि वो लोग का क्लास बाद में होगा। सर डिप्लोमा वालों को एंटर नहीं कराइए, क्योंकि सर फिर वो लोग आंसर करने लगते हैं, हम बहुत चीज पढ़े नहीं है, क्योंकि हम लोग रेगुलर वाले हैं, उन लोग का कुछ बेसिक्स क्लियर है, हमारा क्लियर नहीं है सर, तो उस केस में दिक्कत हो जाता है सर। ओके, ये तो इस बार का केस है ना, कि इस बार ऐसा हो रहा यस सर, है कि D2D यस वाले सर, इस बाद बार में ये आ रहे हैं। परफेक्ट हो ओके, रहा जस्ट है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओम कुमार बोल रहे हो? यस सर, ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ये इस बार हो रहा है कि D2D वालों का एडमिशन काफी देर से हुआ है, इसलिए वो थर्ड सेमेस्टर में बाद में आ रहे हैं, है ना। लेकिन ड्यू टू दिस कोविड, बट जो थर्ड सेमेस्टर होता है वो D2D वालों के साथ ही होता है। ओके, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट D2D के लिए एक अलग से पोर्शन आ रहा है। क्यों? क्योंकि सेशन थोड़ा सा उनके लिए देर हो चुका है, इसीलिए। तो जब क्वेश्चंस उठते हैं तो यू नीड टू आस्क द क्वेश्चन, बिकॉज इफ दे आर सेइंग यस, आई एम नॉट गोइंग विथ एनी वन स्टूडेंट। सो इफ यू हैव क्वेश्चन यू कैन आस्क वेरी फ्रिक्वेंटली। ओके, है यस ना। इसमें कोई आपको मतलब हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, आपका अगर क्वेश्चन है तो आप पूछोगे। सो दे कैन ज्वाइन इफ दे वॉन्ट, दे कैन ज्वाइन, देर इज नो एनी रेस्ट्रिक्शन अबाउट देम। ओके, सो इन द वेरी देर आर सो मेनी डिफरेंसेस बिटवीन द एनालॉग एंड डिजिटल। सो द डिफरेंस आर वेरी यू कैन डिफरेंशिएट इन टर्म्स ऑफ द एनालॉग एंड डिजिटल डिवाइसेस। ओके, सो इट इज रिकॉर्डिंग, यस। सो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ एनालॉग डिवाइसेज, देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल डिवाइसेज। So, can anybody tell me that is there any other difference between these two types of device, digital device and analog device? अच्छा, मुझे बताओ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या है? एक एनालॉग डिवाइस है या डिजिटल डिवाइस है? सर डिजिटल तो नहीं है वो ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो डिजिटल नहीं है तो एनालॉग होगा, क्योंकि आइदर वो डिजिटल होगा या एनालॉग होगा या मिक्सिंग ऑफ टू होगा। ओके, हाँ तो सर, क्या ट्रांसफार्मर मिक्सिंग ऑफ द टू है, एनालॉग डिजिटल? ट्रांसफार्मर क्या होता है ये मुझे बताएंगे कोई? ट्रांसफार्मर में होता क्या है? ट्रांसफर डिवाइस होता है सर, जिसमें वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जाता है। यस यस, वेरी गुड। उसका कंस्ट्रक्शन, सर वो बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए स्टेप अप स्टेप डाउन किया जाता है। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सृजन। सो जो ट्रांसफार्मर होता है, उस ट्रांसफार्मर में आप पढ़े हो गए अभी, ट्रांसफार्मर बहुत तरह का ट्रांसफार्मर पढ़े हो गए। तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, सभी को मालूम है। यस सर, यस सर, जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, क्या ऐसा कुछ होता है? चलो हम इसे नहीं लेकर, नहीं थे। हम इतना नहीं लेकर, हम एक ही ब्लॉक लेते हैं। एक ही ब्लॉक लेते हैं। ओके, इसे टीवी मत समझ लेना, ड्राइंग मेरी थोड़ी बुरी है। तो आप लोग क्या देखते हो यहाँ पर? एक इस टाइप का कुछ होता है। सर हाँ सर, बाइंडिंग बाइंडिंग वायर ऐसा। और ऐसा है ना, यही है जो बेसिक है ट्रांसफार्मर का, एक बेसिक डायग्राम है ना। सो दिस इज द प्राइमरी साइड एंड दिस इज द सेकेंडरी साइड। तो यहां पर कोई मूवेबल पार्ट है या नहीं है? नहीं सर, नहीं मूवेबल पार्ट नहीं, मूवेबल पार्ट नहीं है।
बट दिस इज एन एनालॉग डिवाइस, यहाँ पर कोई डिजिटल का पार्ट नहीं है। यहाँ से सप्लाई देंगे, कोई एक सप्लाई देंगे, यहाँ हमें एक सप्लाई मिलेगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज एन एनालॉग डिवाइस। मोटर मुझे एनालॉग और डिजिटल बेसिक डिफरेंस क्या है सर? दैट इज व्हाट आई वेयर आई वांट टू रीच। ओके, ये आप लोगों को पता है, जस्ट आप लोगों को ब्रश अप करने की जरूरत है। तो मैंने अभी बताया कि एनालॉग जो सिग्नल्स है, दैट एनालॉग सिग्नल्स आर कंटिन्यूअस इन नेचर, और डिजिटल जो सिग्नल होता है वो क्या होता है, डिस्क्रीट इन नेचर। ओके, डिस्क्रीट मतलब कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यूज होगा। सो अगर हम बाइनरी की बात करें तो हमारे पास सिर्फ जीरो और वन के फॉर्म में होगा, है ना। तो एनालॉग जो डिवाइसेज हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि देयर आर नो एनी मूवेबल पार्ट्स। लेकिन मोटर एनालॉग डिवाइस है या डिजिटल डिवाइस है? मोटर तो सर एनालॉग है। मोटर इज ऑल्सो एनालॉग डिवाइस। सो बट मोटर में मूवेबल पार्ट होता है या नहीं होता है? होता है सर। होता है सर, ऑब्वियसली होता है। होता आप जो सिंपल एनालॉग मीटर देखते हो, उस एनालॉग मीटर में कोई मूवेबल पार्ट होता है? नीडल तो शायद मूव करता है। हाँ, होता है सर। मूव करता है, तो नीडल अपने आप मूव नहीं करता है, उसके अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू वोल्टेज या करंट के डिफरेंस के थ्रू वो जो नीडल होता है वो मूव करता है। ओके, देयर इज सम मैकेनिज्म। सो एनालॉग और डिजिटल में एक ये डिफरेंस है दैट एनालॉग डिवाइसेज आर मोस्टली देयर आर मूवेबल पार्ट्स। इन एनालॉग डिवाइसेज मोस्टली देयर आर movable parts, but in digital devices there are no any movable part. क्यों? क्योंकि वहां पर कोई move करने की चीज नहीं है। जैसे हमने जैसे आप देख पा रहे होंगे कि अभी जैसे आप देखो digital meter, अगर बात करें, अगर bike में जो digital meter लगा होता है, अगर उस digital meter की बात करें तो वहां पर क्या है कि जो भी वहाँ पर सेंसर्स अभी लगे हैं, या अभी अभी जो मोस्टली व्हीकल्स आ रहे हैं, जो फोर व्हीलर्स आ रहे हैं, उसमें मोस्टली क्या है, सेंसर लगा है। और वो सेंसर क्या है, वो सेंसर आईसी से बना है। देयर इज सम आईसी, देयर आर कंपोनेंट्स व्हिच आर एम्बेडेड ओवर द आईसी, और उस आईसी के थ्रू कनेक्टेड है हमारा डिवाइस, ठीक है। तो जो भी रीडिंग आता है, तो अभी एक डिस्प्ले के लिए भी आईसी होता है, देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईसीज व्हिच आर अवेलेबल, जहाँ की डिस्प्ले के लिए एक आईसी होगा, जो भी नंबर होगा वो डिस्प्ले में डिस्प्ले हो जाएगा यूजिंग दैट पर्टिकुलर आईसी। So there are no any movable parts in digital devices. Okay. Instead, most of the analog devices are have the movable parts. Okay. Next, what can be the more difference? That they operate only on the एनालॉग सिग्नल। जो ये डिजिटल डिवाइस है, इस डिजिटल डिवाइस का आउटपुट लाने के लिए देयर शुड बी सम इनपुट। ओके, और वो जो इनपुट होगा, इनपुट सिग्नल, अगर ये हमारा डिजिटल डिवाइस है, तो डिजिटल डिवाइस में क्या होगा, जो भी रॉ मटेरियल आएगा, या रॉ मटेरियल क्या होता है, एक सिग्नल ही होता है, और इन दिस केस द इनपुट सिग्नल विल बी ऑफ एनालॉग इन नेचर। इसी एनालॉग सिग्नल को हम क्या करते हैं, डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, सम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सर्किट्स। ओके, जो ये डिजिटल डिवाइस है, जो ये डिजिटल मीटर है, वो डिजिटली कैसे शो कर रहा है कि उसके अंदर एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा है, जो कि इस पर्टिकुलर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, तब हम उस सिग्नल को उस आईसी के थ्रू हम देख पाते हैं, ठीक है। सो इन दिस टाइप ऑफ डिफरेंस आर देयर इन दी एनालॉग एंड डिजिटल डिवाइसेस। ओके, नाउ लेट मी शेयर द सिलेबस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सो हैव यू ऑल ज्वाइन द गूगल क्लासरूम? यस सर। यस सर। Are you able to see the syllabus? Yes. So I have already uploaded syllabus in the Google Classroom.
So here, right. Yes, so the very first module of this paper is, यहाँ पर आप देख पा रहे हो that first module जो है वो binary codes और boolean algebra से related है, okay? और आप में से कुछ लोगों ने इसे प्लस टू में भी पढ़ा होगा, ओके? लेकिन हम लोग इसे डिस्कस करेंगे, इस पूरे मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे. सेकंड मॉड्यूल इज कंसर्न्ड विद द बुलियन फंक्शन मिनिमाइजेशन टेक्निक्स. द थर्ड वन इज द कॉम्बिनेशनल लॉजिक, कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन. एंड फोर्थ वन इज सिक्वेंशियल सर्किट एलिमेंट्स, सिक्वेंशियल सर्किट एलिमेंट्स. एंड द फिफ्थ वन इज लॉजिक फैमिलीज and VLSI design flow. Okay, here are some books are also given, the textbooks as the book of Harate, Digital Electronics Oxford publication, the Anand Kumar, RP Jain. So all of these books you can follow, okay? But in Google Classroom I will upload this book, or I will share the link of this book Harate, okay? And if you tell me to share other books, then I will also share. But this book, the book of Harate, is very good, and a number of examples are given in this book also, so that you can practice the problems from this book. Okay. Yes. So these may be the reference books. There are some reference books are also given. This book is very good, Maurice Mano. This book is very good, but in this book you will not find the logic family. Okay. You will not find some of the portion from this syllabus in the book of Maurice Mano. Okay, so what you will know from this particular syllabus is given by course outcome. Okay, so what is the course outcome for you? So when you will study this whole subject of digital electronics, so you can see here, this course will introduce the knowledge for basic of digital electronics with number systems, Boolean algebra with minimizing methods, logic gates, combinational and sequential circuits. Okay. So at the end of the course, students will be known with commonly used circuits with digital electronics and to apply the प्रैक्टिकल फील्ड. ठीक है, सो इस तरीके से अगर हम डिवाइड करें आपके पूरे सिलेबस को सम डिफरेंट कोर्स आउटकम्स के टर्म्स में, तो हियर यू कैन सी दैट देर आर CO1, CO2, CO3 एंड CO4. दीज आर द कोर्स आउटकम्स ऑफ योर कोर्स. ओके, सो द वेरी फर्स्ट कोर्स आउटकम विल बी स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एनालाइज डिफरेंट मेथड्स used for simplification of Boolean expression. So we will simplify the Boolean expression, but what is the need of simplification, we will see also that. Okay, so one by one we will discuss the portion of the syllabus, and consecutively we will see that whether we are covering these course outcomes or not. Okay, so let us move through the syllabus. The very first topic is analog and digital. The second one is the binary number system. Okay, so we will discuss these things one by one, and we will try to get acquainted with the portion of this number system. Okay, so let me share the whiteboard again. So who is the class representative? Who is the class representative? Om Kumar tha sir shayad. So Om has left the class. Om has left the class. So has anybody taken the screenshot of the present students? No sir. Okay, so
every day you have to send me the screenshot of the students present in the classroom. So as Om is not here, so who will take the responsibility? Who will take this responsibility? Nobody. Nobody. Sir, I'm late. Okay. Okay. Thank you. Okay. Let me share the whiteboard again. So I think all of you know that the that on Saturday you have two consecutive classes of DELD. Do you know? No, sir, पता नहीं था. आप लोगों को रूटीन शेयर नहीं किया गया है? सर किया गया है सर. तो रूटीन में सैटरडे को आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कंसेक्यूटिवली दो क्लासेस हैं. ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू इज द नंबर सिस्टम. So, which number system you are familiar with? Binary. आप में से कौन कौन है जो binary number system से familiar है? Madan. Hi sir, familiar. Me, Rohit. Okay, Rohit. Okay. बाइनरी नंबर सिस्टम क्या आप बचपन से पढ़ रहे हो? नो सर. बचपन से कौन सा? बचपन से तो नहीं. बचपन से कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो? इंडियन नंबर सिस्टम. कौन सा नंबर सिस्टम है? डेसिमल नंबर. डेसिमल. 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 यस, डेसिमल. डेसिमल नंबर. ये जो नंबर सिस्टम है ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जिसे हम हिंदी में दशमलव कहते हैं. Isn't it? कहते हैं या नहीं? Yes, sir. तो मुझे बताओ. Yes, sir. दशमलव में कौन 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 से ऐसे डिजिट्स होते हैं जो कि हम लोग जानते हैं? 0 to 9. वेरी गुड. सो हम लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर्स होते हैं उसमें क्या क्या नंबर्स, क्या क्या डिजिट्स यूज होते हैं. 0, 1, 2, 0 to 9 सर. 7, 8 and 9. अब इस यूनिवर्स का कोई भी नंबर हो वो इन्हीं से मिलकर बना होगा, है ना? इस यूनिवर्स में कितना भी छोटा नंबर हो या कितना भी बड़ा नंबर हो वो इसी से मिलकर बना होगा. तो क्या कोई बता सकते हो कि इस दुनिया का सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वन होगा सर. सबसे छोटी संख्या वन. सबसे छोटी संख्या कोई नहीं है सर, मतलब डिफाइंड नहीं है सर. डिफाइंड नहीं है. कुछ भी लेंगे तो उससे छोटा आ ही जाएगा. यस यस विकास, वेरी गुड. सो हमारे पास अगर हम आप कहें वन तो क्या वन से कोई संख्या छोटा नहीं है? और है, हम जो भी नंबर बोलेंगे उससे एक छोटा, एक उसमें एक डेसिमल लगा के छोटा एक वैल्यू बना देंगे तो उससे और छोटा हो जाएगा, है ना? अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या बोलें तो वो भी एक ऐसी संख्या होगी. अगर आप, मैं कुछ बोलता हूँ कि ये सबसे बड़ी संख्या है तो आप उसमें वन ऐड कर दो तो उससे एक बड़ी संख्या आ जाएगी. Isn't it? तो yes, sir. संख्या सबसे बड़ी संख्या ही हम बता नहीं सकते हैं. तो यूनिवर्स में वो कितना भी बड़ा नंबर हो दैट विल बी ओनली एंड ओनली विल बी गॉट थ्रू ओनली ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज पर्टिकुलर 10 डिजिट्स. ओके, और इसे हम कहते हैं बेस यूनिट्स. ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने बेस यूनिट्स हैं?
10, 10 बेस यूनिट्स हैं और वो 0 से लेकर 9 तक है. ओके, अभी मैं एक पर्टिकुलर ओके सो इंस्टीड ऑफ गोइंग थ्रू मैं आगे जाने के पहले छोटा सा एग्जांपल लेता हूं दैट अब मुझे बताओ कि अगर मुझे 3, 8, 9, 4 बचपन में ऐसा लिखते थे हम लोग राइट दिस नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म. अगर मैं कहूं राइट दिस नंबर इन एक्सटेंडेड फॉर्म तो हम कैसे लिखते हैं इसे, कुछ याद है? 3000. यस यस 3000 प्लस प्लस 800 800 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 4 और हम खुश होते थे, अरे वाह हमने तो ये एकदम सही लिख दिया, 1 मार्क्स मिल गया. तो ये जो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर. ओके, अभी हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखें या थोड़ा और आप इसे कॉम्प्लेक्स बोलोगे, हम इसे लिखें 3 × 10³ प्लस 8 × 10²² प्लस 9 × 10⁻¹ प्लस 4 × 10⁻¹⁰ यस वेरी गुड वेरी गुड. सो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं. हम क्या देख रहे हैं कि ये जो नंबर है उसका जो बेस यूनिट है 10, उसी के टर्म में हमने इस नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया. ओके तो नाउ ये हमारा कौन सा नंबर सिस्टम था, ये था डेसिमल नंबर सिस्टम. तो नाउ इस डेसिमल नंबर सिस्टम में ये जो क्या है, ये क्या है, इस 3 को हम क्या कह सकते हैं कि ये एक डिजिट है जो कि कहां बिलोंग करता है, इस नंबर सिस्टम के बेस यूनिट से बिलोंग करता है. इसका जो कोएफिशिएंट है यानी 10³ का जो कोएफिशिएंट है वो बिलोंग करता है इस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम से. ठीक है, अब यहां पर एक जो नंबर है ये 10 जो हमने लिखा है. ओके, सो दिस 10 इज व्हाट, दिस 10 इज, सो ये जो हमने ये लिखा है दिस इज द बेस और ये जो हमने लिखा है दिस इज, इसे कहते हैं रेडिक्स. ये आपको याद रखना है, ये कुछ चीजें जो है डिफाइनेबल टर्म्स आपको याद रखना है. रेडिक्स, ठीक है, तो बेस हो गया ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जो बेसेस आ रहे हैं वो बेस हो गया और रेडिक्स जो कि उसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है. तो आप यहां पर क्या देखते हो कि जो ये नंबर्स है इनके बीच अगर 10 का रेशियो चेक करें तो वो रेशियो कितने कितने के रेशियो से बढ़ रहा है, पहले 10⁻₀ से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 10⁻¹ से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 10⁻²² से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 10⁻³ से मल्टीप्लाई हुआ. तो इस तरीके से हम क्या देखें कि इसके और इसके बीच का रेशियो कितना है, 10 है. 10 है. इसके और इसके बीच का रेशियो कितना है, 10 है सर सबका. 10. यानी कि हर एक कंसेक्यूटिव जो वैल्यू है उसके बीच का हम रेशियो देखें तो वो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए. ये 10 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में हम देख रहे हैं. ओके, इन द सेम वे वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स, वी विल डिस्कस वन बाय वन. ओके, सो ये जो रिप्रेजेंटेशन है हमने जो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है हम इसे एक आर्बिट्ररी फॉर्म में यानी कि एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक वी कैन राइट इट एज am x⁻⁻⁶ okay plus am-1 x⁻⁷ plus m-2 x⁻⁷ ओके. सो इन द सेम वे ये अगर कंटिन्यू होता जाएगा तो लास्टली हमें क्या मिलेगा, प्लस ए, लास्ट में कहीं a2 आएगा,
एक्स टू दी पावर कितना होगा यहाँ पर बताएं कोई, यहाँ पर क्या होना चाहिए एक्स का पावर? आप ये n माइनस n जीरो होना चाहिए, अगर यहाँ टू है आप n माइनस वन सर, यहाँ m है तो यहाँ कितना है m माइनस वन, यहाँ m माइनस वन है तो यहाँ m माइनस टू है, यहाँ m माइनस टू है तो यहाँ m माइनस थ्री है, मतलब यहाँ a का जितना बेस है उससे एक कम है x का पावर, तो यहाँ टू है तो यहाँ कितना होगा वन होगा, वन प्लस a वन x टू द पावर जीरो जीरो ओके। इसके बाद डेसिमल का पॉइंट आएगा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था 384 3894, मान लें इसके बाद होगा 0.6532, तो हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये पूरा का पूरा टर्म तो लिखेंगे ही, इसके बाद डेसिमल आएगा और डेसिमल के बाद हम क्या लिखेंगे 6 × 10⁻⁷, क्या लिखेंगे 6 के साथ माइनस वन प्लस, क्या लिखेंगे ऐसा या नहीं लिखेंगे, 5 आएगा, 5 को कैसे लिखेंगे हम 10⁻², ऐसा लिखेंगे माइनस टू है ना, प्लस 3 × 10⁻³ प्लस थ्री, उसके बाद क्या है दैट इज 2 × 10⁴। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि डेसिमल के राइट साइड जो नंबर होगा उसका पावर 10 के ऊपर माइनस में आएगा, और डेसिमल के पहले जो टर्म्स होगा उनका पावर 10⁻⁰ सम पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर अगर हम यहाँ डेसिमल लिख रहे हैं तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बताएं कोई मुझे, अब ये मैंने जो am a माइनस वन am माइनस टू लिखा, दीज आर दीज नंबर्स, ये 3 है 8 है 9 है 4 है, ये जो a वैल्यूज है, और इसके बाद जो मैं b वैल्यूज लिख रहा हूँ, लेट मी चेंज दी कलर, ये जो मैं यहाँ b वैल्यूज लिख रहा हूँ ये b वैल्यूज इस डेसिमल के बाद का जो डिजिट्स है वो है, ठीक है। तो b1 अगर मैं लिख रहा हूँ तो b1 के साथ अगर हम x का पावर लिखें तो वो क्या होगा, b1 के साथ x का पावर माइनस वन ओके, प्लस b2 x टू दी पावर माइनस टू, प्लस इसे डॉट 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 करके लिखें तो ये कहां तक जाना चाहिए, bn x टू दी पावर माइनस n ओके। तो मैंने क्या किया है अभी, एक सिंपल जो नंबर था उसको हमने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया है एक पर्टिकुलर फॉर्म में, वेयर दिस a आर a and b are the coefficients, these are the coefficients okay, a and b are the coefficients and x is the base okay, so x is the radix part, so x jo radix part hai use hum kya likh sakte hain, hum in the same way, to yahan par a m a aur b kya hai, a aur b kya hai, yes क्या है बोल रहे हो, बेस चैनल सर, बेस ओके ओके, मैं यहां पर लिखता हूं ओके, ए एम, ए एम क्या है, अगर हम ये जो हमने एक एग्जांपल लिया था, ये जो हमने एक एग्जांपल लिया था ये वाला, ये जो एग्जांपल है इस एग्जांपल के थ्रू अगर हम इसे समझना चाहें तो ए एम का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, 3 होगा, वेरी गुड। एक्स x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू 10⁻³ होगा, x का वैल्यू होगा 10, x का वैल्यू सिर्फ 10 होगा, अभी मैंने पावर की ओके। m माइनस वन का वैल्यू क्या होगा, तो 4 माइनस वन, m का वैल्यू 4 होगा सर, m का वैल्यू माइनस वन थ्री, ये कहाँ से डिफाइन होगा कि कितने सारे नंबर्स, कितने सारे डिजिट्स यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो डिजिट अवेलेबल है वो क्या होगा, ए एम मतलब हो गया यहाँ पर m का वैल्यू क्या होगा, ओके okay, m का भी वैल्यू मुझे बता दे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, m का वैल्यू 4 होगा सर, यस m 4 होगा, सो m का m माइनस वन का वैल्यू 3 होगा ओके। सो ये जो मैंने
यस, ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन दिखाया है, दिस रिप्रेजेंटेशन इज जस्ट सिमिलर टू दिस वन, जस्ट सिमिलर टू दिस वन, जो कि मैंने यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था. सॉरी फॉर दैट. मैंने ये जो एक्सप्रेशन अभी लिखा है, ये जो मैंने यहाँ पर पार्ट लिखा है उसी का एक्सपेंडेड फॉर्म, उसी का जो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये वाला, है ना, उसी का सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे वर्ड्स में, दैट व्हाट इज एम. एम इज द नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल. ओके, हैव यू गॉट दैट. एंड एन, व्हाट इज एन. एन इज द नंबर ऑफ डिजिट्स टू द राइट साइड ऑफ डेसिमल. ओके, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि मैंने B1 लिखा है, B2 लिखा है, लास्ट में मैंने BN लिखा है. तो N इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट. N इज द नंबर ऑफ डिजिट्स टू द राइट साइड ऑफ द डेसिमल. ओके, नाउ व्हाट आर A एंड B. अगर मैं यहां बोलूं AM, तो AM क्या है. AM इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. सो व्हाट इज मीन बाय दैट, व्हाट इज मीन बाय मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. इसे हम शॉर्ट में MSDB बोलते हैं. एंड BN इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, LSD. अब मुझे बताएं कि व्हाट इज मीन बाय MSB एंड LSD. MSD एंड LSD. एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, लाइक 3859.6348. दिस नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फॉर्म. सो मैंने यहां पर ब्रैकेट के नीचे यहां 10 लिखा है, तो आपको ये समझ जाना है कि ये नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा है. ठीक है, अब मुझे बताएं कि मोस्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस का क्या मतलब होता है. जनरल मीनिंग वैल्यू. वैल्यू, ठीक है, और कुछ. What is the significance of digital electronics in your electrical department? क्या इसका मतलब है, sentence का क्या मतलब है. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या अहमियत है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. क्या अहमियत है ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आपके डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए क्या अहमियत है. यही अहमियत है कि आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रूबरू इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि यू विल फेस अ नंबर ऑफ डिजिटल डिवाइसेस इन योर डे टू डे लाइफ एंड यू हैव टू डील विथ. ओके, एंड यू हैव टू कन्वर्ट द सिग्नल्स इनटू एनालॉग टू डिजिटल फॉर्म एंड डिजिटल टू एनालॉग फॉर्म. ओके, सो यू नीड टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स बिकॉज यू रिक्वायर दैट, योर पेपर और योर ब्रांच रिक्वायर दैट. ओके, नाउ आई एम आस्किंग यू द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस 3. And what is the significance of this 9? आप यहाँ पर जो values देख रहे हो, आप हिंदी में भी पढ़ते हो ones, tens, hundreds, thousands. तो आप यहाँ पर जो 3 का जो significance है वो सबसे ज्यादा है. थ्री इंटू टेन टू पावर वॉट थ्री सॉरी फोर 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 सो तो यहाँ पर इस 3 का जो वैल्यू होगा ना, हाँ, तो 3 होगा ना. यस, इट इज 3. यस, इट इज 3. सो अगर हम यहाँ पर पूछे तो इस, अगर हम डिजिट के फॉर्म्स में देखें तो 9 बड़ा होता है 3 से, 9 बड़ा होता है 3 से, बट
प्लेस वैल्यू की अगर बात करें, सो प्लेस वैल्यू ऑफ, प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री इज ग्रेटर देन द प्लेस वैल्यू ऑफ नाइन, है ना? यानी कि ये जो थ्री का सिग्निफिकेंस है वो ज्यादा है, इसलिए हम इसे कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस इसका है, और ये जो एट है इसका वैल्यू सबसे कम है, और हम इसलिए कहते हैं इसे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, सो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अभी मैं एक छोटा सा और एग्जाम्पल लू, लाइक 349। तो यहां पर भी आप देख रहे हो कि 3 का जो प्लेस वैल्यू है वो कितना है, हंड्रेड्स का, यानी कि 3×10^2। और यहां पर 9 का सिग्निफिकेंस क्या है, 9×10^0, है ना? Zero. यहां पर 10^2 है, यहां पर 10^0 है, जीरो। ये इस 3 का सिग्निफिकेंस जो है वो सबसे ज्यादा है इस पूरे नंबर में, है ना? सो दिस 3 इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड दिस 9 इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो हमने अभी देखा क्या कि एक डेसिमल नंबर सिस्टम हम देख रहे हैं, और उस डेसिमल नंबर सिस्टम में जो चीजें हैं, कौन सा नंबर सबसे, किस डिजिट की वैल्यू सबसे ज्यादा है और किस डिजिट की वैल्यू कम है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं सेकंड थिंग इज बाइनरी। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस यूनिट्स क्या होते हैं? टू होते हैं, कौन कौन? जीरो वन, जीरो वन एंड वन, ओनली टू बेस यूनिट्स। ओके, यानी कि जो भी नंबर, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में जो भी नंबर बनता है वो जीरो से लेकर 9 तक के जो डिजिट्स है उन्हीं से मिलकर बना होता है। इन द सेम वे बाइनरी नंबर सिस्टम में जो भी नंबर बना होगा वो जीरो और वन से मिलकर ही बना होगा। ओके, सो मान लें एक कोई नंबर, एग्जांपल लें हम, लाइक 1011। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी, और वी कैन रिप्रेजेंट इट एज 1011। और या तो आप कहीं देखोगे ऐसा बाइनरी बी लिखा हुआ है, या इसे लिखा हुआ है 1011 बाइनरी बी। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट नोटेशंस आप देख सकते हो। नाउ दिस इज द बाइनरी नंबर। नाउ हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस बाइनरी नंबर इनटू डिजिटल, सॉरी डेसिमल, एंड डेसिमल नंबर टू बाइनरी, वी हैव टू सी दिस कन्वर्शन। ओके, सो मान लें कि हमारे पास एक डेसिमल नंबर है लाइक 8। दिस इज द डेसिमल एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी। सो हाउ वी विल डू दैट? द फर्स्ट प्रोसेस इज द डिवीजन प्रोसेस। सो हमारे पास 8 है, हमें किसमें कन्वर्ट करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और बाइनरी में जो डिजिट यानी जो बेस अवेलेबल है वो 2 है, इसलिए हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा 8? 4 टाइम्स में जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 0 0। जो रिमाइंडर बचेगा उसे हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसे 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा? 2। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 सर, 0 0।